हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेस ऑफ क्रिएटिविटी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पाव भाजी की रेसिपी। पाव भाजी तो आपने कई बार बनाई होगी, लेकिन आप एक बार मेरी रेसिपी से बना के देखिए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इस रेसिपी से आपकी भाजी इतनी टेस्टी बनने वाली है, आपको लगेगा कि आप बिल्कुल बाहर रेस्टोरेंट की भाजी खा रहे हैं। तो आइए मेरे साथ। सबसे पहले हम कुकर गर्म करने के लिए रखेंगे। अब मैं इसमें 2 चम्मच तेल गरम करने के लिए रख रही हूँ और इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालूँगी। जीरा तड़कने पर हम इसमें 1/2 चम्मच पाव भाजी मसाला डाल देंगे। इससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप जल्दी से इसमें टमाटर डाल के मिक्स कर देंगे, जिससे हमारा मसाला और जीरा जले ना। 2 टमाटर मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। अब इसे मिला लेते हैं हम। अब इसमें 2 आलू, वो भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं, ये भी हम डाल देंगे। 1 गाजर, वेजिटेबल्स आपके ऊपर डिपेंड करता है। और 1 छोटा पीस मैंने चुकंदर का लिया है, वो ज़रूर डालिए, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा भाजी का। और 1/2 कटोरी मटर डालिए। इन सबको मिक्स करके थोड़ा 1/2 ग्लास हम इसमें पानी डाल देंगे। इसमें हम इतनी वेजिटेबल्स के हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। अब कुकर का ढक्कन लगा के हमें इसमें 3 से 4 सीटी लेना है। और आप चाहें तो मीडियम फ्लेम पे रख के भी सीटी ले सकते हैं, जिससे सारी वेजिटेबल्स अच्छी तरह गल जाएं। अब देखते हैं, हमारी वेजिटेबल्स तैयार हो चुकी हैं, पक गई हैं। ये देखिए, हमें इतना पकाना है कि ये आसानी से मैश हो जाएं। अब हम इनको साइड में रख देंगे। अब हम भाजी फ्राई करने की तैयारी करते हैं। अब हम एक कढ़ाई गरम करने रखेंगे और इसमें मैं 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ। जी हाँ, तेल डालेंगे सबसे पहले, और उसके बाद मैं 2 चम्मच घी डालूँगी। मैं बटर नहीं डाल रही हूँ, मैं घी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से भी वही फ्लेवर आएगा जो बटर से आएगा। यदि आपके पास बटर अवेलेबल नहीं है तो आप घी से काम चला सकते हैं। अब इसमें मैं 1/2 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। जीरे को हम तड़काएंगे। अब इसमें मैंने 4 से 5 लहसुन की कली बारीक काट ली है। 1 छोटा अदरक का टुकड़ा भी घिस लिया है। 1 हरी मिर्ची ली है, 1 शिमला मिर्च, 2 बड़ा प्याज और थोड़ी सी कसूरी मेथी। हरी मिर्ची आप अपने तीखे टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आप तीखा पसंद करें उतनी आप हरी मिर्ची इसमें डाल दीजिए। और अदरक लहसुन यदि बारीक नहीं काटना है तो आप इसके पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। और 2 प्याज मैंने बारीक काट ली है, अब ये भी डाल देंगे हम इसमें। शिमला मिर्च भी डाल देंगे, शिमला मिर्च से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इन सबको हमें इतनी देर तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है कि इनका कच्चापन निकल जाए। एकदम सुनहरा नहीं करना है, हमें कच्चापन निकालना है। और इन्हें चलाते रहिए जिससे जले ना। कसूरी मेथी भी मसल कर हम डाल देंगे। अब इसमें 2 चम्मच पाव भाजी मसाला मिलाएंगे।
एक चम्मच मैं लाल कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ, इससे तीखापन नहीं आएगा और कलर भाजी का अच्छा आ जाएगा। अब इतने मसाले के हिसाब से हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। वेजिटेबल्स में भी हमने नमक डाला है। अब इसमें हम बॉईल की हुई वेजिटेबल्स मिला देते हैं। इसे अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। फ्लेम मीडियम ही रखिए। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिला रही हूँ, जिस कुकर में वेजिटेबल्स थे उसी में डाल के मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब हम भाजी को मैशर से अच्छी तरह मैश कर लेंगे। जो भी वेजिटेबल्स मैश नहीं हो पाई होंगी वो मैश हो जाएंगी। अब मैं इसमें आधा नींबू का रस डाल रही हूँ। नींबू हम ऊपर से भी डालेंगे सर्विंग के टाइम, लेकिन अभी भी थोड़ा हम इसमें नींबू का रस मिला देंगे। हमारी भाजी तैयार है। इसे धनिया पत्ती से हम गार्निश कर देंगे। ऊपर से बटर डाल दीजिए, घी डाल दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है भाजी का। अब हम पाव सेक लेते हैं। पाव सेकना बहुत ही सिंपल है। बन लीजिए, उसे बीच में से थोड़ा काट दीजिए, पूरा नहीं काटना है, बीच में से थोड़ा काटेंगे, और इसे घी या बटर से दोनों तरफ से मीडियम फ्लेम पर सेक लीजिए। ये हमारा पाव सेक चुका है। अब आप इसे गर्मा गर्म भाजी के साथ सर्व कीजिए। साथ में प्याज के बारीक बारीक पीस रखिए, नींबू रखिए, और ये देखिए रेस्टोरेंट स्टाइल में हमारी पाव भाजी रेडी है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।